कांशीराम आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चमत्कार हैं। बेहद साधारण परिवार का एक शख्स आखिरकार कैसे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सफल रहा, कैसे भारतीय राजनीति में कांशीराम मान्यवर बन गए, आज हम उन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे मान्यवर कांशीराम अंबेडकरवाद को नई बुलंदियों पर ले गए। ये वीडियो द प्रिंट के लिए लिखे गए अरविंद कुमार के एक लेख पर आधारित है, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज बीक। तो आइए शुरू करते हैं मान्यवर कांशीराम के जीवन और संघर्ष से जुड़ी इस दिलचस्प यात्रा को। आजाद भारत में बहुजन राजनीति के माध्यम से अंबेडकरवाद को नई बुलंदियों तक ले जाने वाले कांशीराम का उदय राजनीति में एक पहेली की तरह रहा है। उनके परिनिर्वाण पर अंबेडकरवादी राजनीति के समालोचक और समाज विज्ञानी आनंद तेलतुंबड़े ने द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एन एनिग्मा कोल्ड कांशीराम यानी कांशीराम एक अबूझ पहेली कहा था। तेलतुंबड़े ने कांशीराम को एनिग्मा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने सतह से उठते हुए मात्र चंद साल में दलितों और वंचितों की न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अपनी पार्टी की सरकार भी बना दी। हजारों साल से सताई गई जनता को कांशीराम ने अपने बहुजन आंदोलन से जोड़ लिया। ये समकालीन भारतीय राजनीति के जानकारों के लिए किसी पहेली की तरह है। मान्यवर कांशीराम की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। भारत में राजनीति का ग्रामर बदल देने वाले मान्यवर कांशीराम का उदय 70 के दशक में हुआ और उनके इस योगदान की वजह से उनके समर्थकों और उनके विरोधियों तक ने इस व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया। कांशीराम की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर बनने वाली फिल्में, गाने या वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। आजकल YouTube पर उनके पुराने भाषण और TV चैनलों को दिए इंटरव्यू भी ढूंढ ढूंढ कर सुने जाते हैं। बहुजनों के लिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, मान्यवर कांशीराम साहब ने उस सपने को सच कर दिखाया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उनके योगदान और शिक्षाओं को एक सोची समझी साजिश के तहत गायब कर दिया गया था। उन्हें महज दलितों का नेता स्थापित किया गया और उनकी भूमिका को कांग्रेस की सरकारों ने जबरदस्त तरीके से इग्नोर किया। बाबा साहब के जाने के करीब 2 दशक बाद मान्यवर कांशीराम ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ अंबेडकरवाद को जन जन तक पहुंचाया बल्कि बहुजनों के लिए अपने बलबूते सरकार बनाने जैसा चमत्कार कर दिखाया। आज बच्चे बच्चे की जबान पर जय भीम का जो नारा सुनाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब की वजह से ही है। मान्यवर कांशीराम और उनके संघर्षों के बारे में जब भी बातचीत होती है तो उन पर एक आरोप आमतौर पर लगता है कि वो अंबेडकरवाद से विमुख राजनेता थे। अंबेडकरवाद से उनकी विमुखता के पीछे तर्क दिया जाता है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए साधनों की पवित्रता पर यकीन नहीं करते थे, यानी वो सत्ता हासिल करने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला लेते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर नैतिक मूल्यों के समर्थक थे। इन्हीं आरोपों की वजह से कांशीराम की पार्टी BSP को पोस्ट अंबेडकराइट यानी अंबेडकरवाद से बाद की पार्टी कहा गया और उनके विचारधारा को कुछ लोगों ने कांशीरामवाद नाम दिया। कांशीराम के जीवन संघर्ष पर लिखने वाले अभय कुमार दुबे, सतनाम सिंह, HL दुसाद, बद्री नारायण आदि लेखकों ने उनकी विचारधारा पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। लेकिन इस बीच अभी हाल ही में AR अकेला ने कांशीराम द्वारा प्रकाशित की गई पत्र पत्रिकाओं से उनके संपादकीय लेखों और साक्षात्कारों को हिंदी में अनुवाद करके कई खंडों में प्रकाशित करवाया है, जो कि कांशीराम के विचारों को समग्र रूप से समझने में काफी मदद करती है। मान्यवर कांशीराम के संपादकीय लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि शुरुआती दिनों से ही उन पर अंबेडकरवाद से विमुख होने के आरोप लगते रहे थे। उन पर ये आरोप ज्यादातर RPI और दलित पैंथर के लोग लगाते थे। अपने लेखों में वो समय समय पर इस आरोप का जवाब भी देते रहते थे। उनका मानना था कि जिनकी वजह से अंबेडकरवादी आंदोलन कमजोर हुआ है वो लोग नहीं चाहते कि अंबेडकरवाद पुनर्जीवित हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जनता के बीच उन्हें अपनी असफलता का हिसाब देना पड़ेगा।
द ओप्रेस्ड इंडियन के अपने संपादकीय लेखों में कांशीराम जगह जगह ये उद्धृत करते हैं कि कैसे उनका आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर का ही आंदोलन है और कैसे वो इसे दीर्घायु करने के काम कर रहे हैं। इस विषय पर उनका सबसे अहम लेख अप्रैल 1989 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने विचार की आंदोलन से जुड़े निम्न पहलुओं के तौर पर चर्चा की, जो कि उनके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर से ही उन्होंने सीखा था। अंबेडकरवाद की परिभाषा। कांशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1985 में स्थापित डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की परिभाषा से अंबेडकरवाद की परिभाषा निकाली। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों का संगठन है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के हितों के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों द्वारा चलाया जाता है। संस्थान का उद्देश्य उन्हें वर्तमान दबी कुचली स्थिति से निकालकर एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना है जहां उनको सामाजिक और राजनीतिक समानता मिल सके और उनके आर्थिक कल्याण में इजाफा हो। इस प्रकार कांशीराम के नजरिए से अंबेडकरवाद को देखें तो किसी भी संगठन या फिर संस्थान को अंबेडकरवादी तभी कहा जा सकता है जब ये पता हो कि उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए काम कर रहा है और कौन चला रहा है उस संगठन को और किसके पैसे से वो संगठन चल रहा है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अंबेडकरवादी विचारधारा जातिगत गुलामी के खिलाफ आंदोलन है, जो कि बिना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का निर्माण किए संभव नहीं है। संगठन संस्थान निर्माण किसी भी व्यक्ति या समाज में आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि उससे उस समाज व्यक्ति को पता चलता है कि वह कुछ भी कर सकता है। आत्मविश्वास व्यक्ति में आत्मसम्मान पैदा करता है और आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि अपने सकारात्मक कार्य की वजह से खुद का सम्मान करना। स्वाभिमान का मतलब है कि व्यक्ति अपने द्वारा चुने हुए कार्य करे और लोग उसी कार्य के हिसाब से उसका सम्मान भी करें। स्वाभिमान की भावना गुलामी के खिलाफ एक सतत संघर्ष के लिए बेहद जरूरी है। कांशीराम के मुताबिक अंबेडकरवादी आंदोलन को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपने संसाधन और संचार माध्यम यानी समाचार चैनल और संस्थान और ऐसे संगठन स्थापित करने चाहिए। कांशीराम की दी हुई अंबेडकरवाद की ये परिभाषा आज बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आजकल आए दिन बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कोई ना कोई संगठन बनते रहते हैं। आंदोलन की गतिशीलता। अंबेडकरवाद को पुनर्जीवित करने और उसको गतिमान बनाए रखने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब शोधार्थियों से अंबेडकरवाद पर अपना सैद्धांतिक ज्ञान और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपना व्यवहारिक ज्ञान साझा करने की अपील करते हैं। उनके मुताबिक अंबेडकरवाद तभी गतिमान रह सकता है जब वो बिना अपनी मूल भावना मिटाए समय के साथ साथ अपने अंदर कुछ बदलाव कर ले। इसके लिए वो बाबा साहब द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समय समय पर शुरू की गई पत्र पत्रिकाओं जैसे मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930, समता और प्रबुद्ध भारत 1955 का उदाहरण देते हैं और अपने द्वारा शुरू किए गए द ओप्रेस्ड इंडियन, बहुजन नायक और बहुजन टाइम्स आदि का हवाला भी देते हैं। इसी तरीके से बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न संगठन भी बनाए। जैसे 1925 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। 1956 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की संकल्पना की। साथ ही बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज की भी स्थापना की। मान्यवर कांशीराम के मुताबिक उन्होंने बाबा साहब से ही प्रेरणा लेकर जरूरत के मुताबिक बाम सेफ, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, DS4 और BSP बनाई। नकारात्मकता को हटाकर नई ऊर्जा का प्रवाह करना। कांशीराम साहब के अनुसार आंदोलन में लगातार मिल रही असफलता हताशा और नकारात्मकता का माहौल पैदा करती है, जिससे कि समाज में भय और निराशा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति यथास्थितिवाद को भी जन्म देती है, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने देने वाली मानसिकता, जहां लोग अपनी क्षमता पर ही शक करना शुरू कर देते हैं। इसके मुताबिक RPI और दलित पैंथर की असफलता का यही परिणाम हुआ। इसके उदाहरण के तौर पर वो बाबा साहब के धर्मांतरण की रजत जयंती पर 14 अक्टूबर 1975 को नागपुर में हुए बौद्ध सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव को देते हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकार और दूसरे लोगों को हमें उठाना चाहिए, नहीं तो हम कभी उठ नहीं पाएंगे।
कांशीराम के अनुसार ये प्रस्ताव अंबेडकर के 14 अक्टूबर 1956 के दृष्टिकोण से साफ अलग था, क्योंकि तब ये कहा गया था कि हम स्वयं को उठाएंगे, हम मानवता को उठाएंगे। चहुं ओर आई असफलता से उपजी निराशा को समाप्त करने के लिए उन्होंने चलता फिरता अंबेडकर मेला, साइकिल मार्च, जेल भरो आंदोलन, जन संसद आदि आयोजित किए। अपने आंदोलन को आत्मनिर्भर बनने के लिए पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा पर भी जोर दिया। समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले नेताओं को चिन्हित करने के लिए उन्होंने चमचा युग जैसी किताब लिखी, क्योंकि उनके मुताबिक आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले नेता अपने समाज की आवाज ना बनकर अपने मालिकों और पार्टी की आवाज बन गए हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूना पैक्ट के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया, लेकिन इससे आंदोलन में कोई नकारात्मकता ना फैले इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग चुनाव क्षेत्र की अपनी मांग छोड़ दी। नवंबर 1982 के अपने संपादकीय लेख में उन्होंने इसके व्यापक कारण भी बताए हैं। अपने आंदोलन में नई ऊर्जा भरने के लिए उन्होंने अन्याय मुक्त क्षेत्र की अवधारणा की बात की, जिसके तहत अक्टूबर 1983 में होशियारपुर और नागपुर को अन्याय मुक्त क्षेत्र के तौर पर ग्रहण किया गया। इसी कड़ी में उन्होंने जापान में बुराकू लिबरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दिसंबर 1983 में आयोजित भेदभाव के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शिरकत की और ऐसा ही सम्मेलन भारत में करने के बारे में सोचने के साथ साथ अपने समर्थकों से अनुरोध किया कि दुनिया भर में जहां कहीं भी भेदभाव के खिलाफ संघर्ष हो रहा हो उसके पक्ष में खड़े हों, ताकि भविष्य में उनके हितों की सुरक्षा हो सके। असमानता के प्रतीक ब्राह्मणवाद पर लगातार हमला। मान्यवर कांशीराम साहब ब्राह्मणवाद को भारत में जातिवाद की नींव मानते थे, इसलिए वो उसके प्रतीकों को ध्वस्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। मिसाल के तौर पर उन्होंने पूना को हमेशा ही अपने आंदोलन का केंद्र बनाकर रखा, क्योंकि पूना से ही पेशवा शासन की शुरुआत हुई थी। अपने लेखों में वो गायें को आगे करके की जाने वाली राजनीति से लेकर सांप्रदायिक दंगों में दलितों की सहभागिता पर भी आगाह करते रहते थे। कांशीराम हर अम्बेडकर जयंती पर आग्रह करते थे कि बाबा साहब को याद करने का पूजा केंद्रित तरीका बदलकर मिशन केंद्रित बनाना चाहिए, जिसके लिए इसे सालाना मामला ना बनाकर रोज के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। यानी साल में सिर्फ एक दिन अम्बेडकर जयंती मनाकर छुट्टी नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बाबा साहब की शिक्षाओं को जीना चाहिए। ब्राह्मणवाद के प्रतीक चिन्हों के ही बहिष्कार के तौर पर उन्होंने भगवान बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपने आंदोलन का मुख्य ध्येय बनाया। आंदोलन को आयामों पर अलग अलग लड़ना। मान्यवर कांशीराम के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर के बाद अंबेडकरवादी आंदोलन के असफल होने का एक बड़ा कारण उनके अनुयायियों द्वारा आंदोलन के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयामों को एक दूसरे से मिला देना था। उनके मुताबिक खुद बाबा साहब अपने जीवन काल में इससे बचते रहे। इसके उदाहरण स्वरूप वो बाबा साहब के लखनऊ में दिए किसी भाषण को उद्धृत करते थे, जहां वो कहते हैं कि जिनकी आवश्यकता एक है उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि वो अपने जीवन काल में आंदोलन के विभिन्न आयामों को एक दूसरे में मिलाने की गलती कभी नहीं करेंगे। अपने समय की समस्याओं को बाबा साहब अंबेडकर के विचार और संदेश से जोड़ते हुए मान्यवर कांशीराम साहब अंबेडकरवाद को नई बुलंदियों तक ले गए। मान्यवर कांशीराम न सिर्फ बहुजन राजनीति का बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो चमत्कार हैं जिन्हें युगों युगों तक यूं ही याद किया जाता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी सहयोगी अजरा परवीन और मुझे यानी सुमित चौहान को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।